हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने बोर्ड पर दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हेल्प ईच अदर। एंड जो सेकंड सेंटेंस है आज हमारे पास, वो सेंटेंस क्या है, ही एज वेल एज आई एम गुड। दोस्तों, आपको इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है और कहाँ पर इस सेंटेंस में गलती है। आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और गलती फाइंड आउट कीजिए। जी दोस्तों, तो नहीं मिली गलती, देखते हैं क्या है मिस्टेक। पहला जो सेंटेंस है हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हेल्प ईच अदर, यहाँ पर हम सेंटेंस में ईच अदर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ईच अदर हम यूज़ करते हैं दो लोगों के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, लेकिन इस सेंटेंस में ईच अदर की जगह पर हम यूज़ करेंगे वन अनदर। तो राइट सेंटेंस आप देखिएगा क्या बनेगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हेल्प वन अनदर। और दोस्तों, जो सेकेंड सेंटेंस है हमारा आज का, ही एज वेल एज आई एम गुड, इस सेंटेंस में एम का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि एज वेल एज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के हिसाब से रखते हैं। ही एज वेल एज आई इज गुड। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार से आप इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ग्रामर के साथ साथ अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल एम्बिशन इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।